नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट में। और बहुत बड़ी खबर आई है जहां पर टीम इंडिया का जो ऐलान था, टीम इंडिया का जो स्क्वाड था वो घोषित कर दिया है बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के लिए। और जो जिन नामों के कयास लगाए जा रहे थे और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, एशिया कप के बाद हमने देखा कि एशिया कप में किस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा। केवल दो मैच ही टीम इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में जीत पाई, एक मैच पाकिस्तान के सामने और दूसरा अफगानिस्तान से जो मैच हुआ था। केवल दो मैचों में ही टीम इंडिया को जीत मिली और टीम इंडिया का बल्लेबाजी से लेकर के फील्डिंग तक जो पूरा एक प्रदर्शन था, जो परफॉर्मेंस था, वो बहुत ही खराब रहा। और उसके बाद सवाल उठाए जाने लगे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि फील्डिंग से लेकर के बॉलिंग तक और बैटिंग तक क्या कुछ बदलाव टीम इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगले महीने से ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। और उससे पहले टीम इंडिया का जो ऐलान होना था, आज BCCI ने वो ऐलान भी कर दिया। और जिन जिन खिलाड़ियों को शामिल उसमें किया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो बड़े नाम उसमें जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो उसमें शामिल होंगे, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको नहीं शामिल किया गया है और कुछ ऐसे सरप्राइजिंग नाम भी हैं जिनको टीम इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए जगह मिली है और वो स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो नाम हैं जो इस बार आपको T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले उन नामों पर गौर कर लेना जरूरी है। यहाँ पर रोहित शर्मा हैं कप्तान के रूप में। सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, इस तरह की बातें की जा रही थी, तमाम तरह के रिएक्शंस थे यूजर्स के, लोगों के, क्रिकेट फैंस के, कि क्या कप्तानी में कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो वैसा कुछ भी यहां पर हुआ नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रोहित शर्मा ही कप्तानी भारत की करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा वो कप्तान के रूप में KL राहुल को जगह मिली है। KL राहुल जिनका परफॉर्मेंस लगातार, उनके परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिली। एशिया कप में भी उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, कुछ खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा, निराशाजनक रहा। लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट ने एक भरोसा जताया है और उनको कप्तान के रूप में यहाँ पर जगह दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि कप्तान रोहित शर्मा के साथ वो ओपनिंग करते हुए हमको दिखाई देंगे। इसके अलावा विराट कोहली हैं नंबर 3 पर, वो बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव जो मिडिल ऑर्डर में हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा दीपक हुड्डा को भी जगह मिली है। दीपक हुड्डा एक ऐसा नाम जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो इस बार T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह शायद नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनको मौका मिला, उस मौके को वो भुना नहीं पाए। तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद उन्हें जगह नहीं मिल पाएगी, लेकिन उन सभी बातों पर विराम लगाते हुए, उन तमाम जो बात जो कयास थे उन पर विराम लगा दिया गया और दीपक हुड्डा को स्क्वाड में, इस टीम में हम देख रहे हैं कि उनको भी जगह दी गई है। इसके अलावा ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। संजू सैमसन के नाम को लेकर के चर्चा हो रही थी कि क्या संजू सैमसन को ऋषभ पंत से ऊपर रखा जाएगा और उनको चुना जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोबारा से ऋषभ पंत के ऊपर ही टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है। और एशिया कप में हमने देखा कि ऋषभ पंत का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही खराब रहा, बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन वो कर नहीं पाए। इसके अलावा दिनेश कार्तिक का भी इसमें नाम है। दिनेश कार्तिक जिनको एशिया कप में भी टीम में चुना गया था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वो केवल एक मैच खेले और उसमें भी केवल एक बॉल उन्होंने फेस की थी। तो बहुत ही हम कहें कि एक आश्चर्यजनक जो दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन था एशिया कप में, उसको लेकर के तो सभी आश्वस्त थे कि उनको चुना जाएगा, लेकिन उनको खिलाया नहीं गया, उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। केवल एक मैच के लिए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया जिसमें एक बॉल उन्होंने खेली थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान था टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि अगर आप दिनेश कार्तिक को खिलाते हैं तो ऋषभ पंत के ऊपर आप उनको बैकअप क्यों नहीं देते, उनको आप कंसिस्टेंटली क्यों नहीं मौका देते। तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि इस टीम में उनको जगह दी गई है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर जिनका एशिया कप में प्रदर्शन जो था वो एवरेज हम कह सकते हैं, एवरेज प्रदर्शन रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो पहला मैच हुआ था उसको जिताने में हार्दिक पांड्या की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, मैन ऑफ द मैच भी वो रहे थे। तो हार्दिक पांड्या को इसके लिए चुना गया है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन जो ऑफ स्पिन का एक विकल्प है वो भी टीम में शामिल किए गए हैं। युजवेंद्र चहल को भी टीम में शामिल किया गया है। एशिया कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन T20 में ओवरऑल अगर आप युजवेंद्र चहल का प्रदर्शन उठा करके देखेंगे बीते 1 से 2 साल के अंदर, तो एक क्वालिटी स्पिनर रहे हैं और एक कहीं ना कहीं एक एडवांटेज इंडिया के पास रहता है जब युजवेंद्र चहल होते हैं
कभी कई बार हमने देखा है कि मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल करके वो टीम को दिलाते हैं, विकेट दिलाने वाले गेंदबाज हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं हम देखें कि बैकअप के तौर पर एक आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है, एक रिस्ट स्पिनर के लिए वहां पर ऑप्शन आपके पास अक्षर पटेल के रूप में है। इसके अलावा बुमराह की जो वापसी इस टीम में हुई है ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जसप्रीत बुमराह चोटिल थे एशिया कप से पहले और एशिया कप में उनको नहीं जगह मिल पाई थी चोटिल होने की वजह से, लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप में बुमराह आपको वापसी करते हुए टीम में नजर आएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, गुड न्यूज टीम इंडिया के लिए हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार को भी मौका दिया गया है, चूंकि स्विंग गेंदबाज हैं, दोनों तरफ उनकी गेंद स्विंग होती है और डेथ ओवर्स के साथ ही जो पावर प्ले के ओवर्स होते हैं उनमें विकेट्स निकाल करके आपको देते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार की वहां पर अहमियत बढ़ जाती है। हालांकि एशिया कप में हमने देखा कि भुवनेश्वर कुमार कुछ मैचों में बहुत महंगे भी साबित हुए, लेकिन वो एक ऐसे क्वालिटी गेंदबाज हैं कि पेस बैटरी को आपकी को वो धार जरूर देते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार का यहाँ पर हम देख रहे हैं उनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा अर्शदीप सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा हर्षल पटेल को भी शामिल किया गया है। तो अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल दो युवा गेंदबाज, हर्षल पटेल हालांकि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं लेकिन जो उनका मेन जो उनकी स्ट्रेंथ मानी जाती है वो गेंदबाजी ही मानी जाती है। तो हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह के रूप में दो युवा गेंदबाज आपको यहाँ इस स्क्वाड में देखने को मिलेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद शमी को लेकर के सभी ये सोच रहे थे कि मोहम्मद शमी को मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें यहाँ पर जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं उनमें तो मौका नहीं मिल पाया, उनमें उनका नाम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हाँ जो स्टैंड बाय प्लेयर्स रखे गए हैं उनमें मोहम्मद शमी का नाम जरूर आपको नजर आता है। तो स्टैंड बाय प्लेयर्स में मोहम्मद शमी को रखा गया है कि अगर किसी प्लेयर के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, कुछ इंजरीज हो जाती हैं या किसी प्लेयर को किसी वजह से वापस लौटना पड़ता है तो वहां पर फिर मोहम्मद शमी उनको रिप्लेस करेंगे। अगर वो कोई तेज गेंदबाज होंगे तो वहां पर मोहम्मद शमी के रूप में एक विकल्प हमको मिल जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बड़ी ही हैरानी वाली बात है। सभी ये सोच रहे थे कि शमी और बुमराह की वापसी इस बार टॉप 15 जो 15 जो सदस्यीय टीम चुनी जाएगी उसमें जरूर होगी, लेकिन 15 सदस्यीय टीम से इतर मोहम्मद शमी को स्टैंड बाय प्लेयर्स की लिस्ट में रखा गया है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी स्टैंड बाय प्लेयर्स में रखा गया है, रवि बिश्नोई भी हैं और दीपक चाहर, ये सभी वो खिलाड़ी हैं, चारों वो खिलाड़ी हैं जिनको स्टैंड बाय प्लेयर्स में रखा गया है। श्रेयस अय्यर आपको मिडिल ऑर्डर में एक ऑप्शन दे देते हैं। इसके अलावा रवि बिश्नोई, जैसा कि हमने देखा एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से दूसरे मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, और दीपक चाहर जो तेज गेंदबाजी में एशिया कप में भी एक स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पे ही जुड़े थे और अब यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में भी वो एक स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे बड़े नाम जिनके बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मौका मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मोहम्मद शमी उनको मौका नहीं मिला है, और कुछ ऐसे नाम जिनके बारे में ये लोग सोच रहे थे कि एशिया कप में जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमने देखा उसके बाद KL राहुल हो, ऋषभ पंत हो, कुछ ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के नाम जिनको लेकर के यही ये तय माना जा रहा था कि उनको अब टीम से उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उन प्लेयरों के ऊपर भी भरोसा जताया गया है और उनको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो एक बैलेंस्ड स्क्वाड जरूर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर टीम इंडिया को जरूर सोच विचार करना होगा। लेकिन जो भी हो, अब आने वाले महीने में जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा तो दारोमदार इन्हीं 15 खिलाड़ियों पर होगा कि ये इनमें से जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो मैदान पर उतरे और वो हमें T20 वर्ल्ड कप जिता करके वापस आए। तो अभी फिलहाल इस न्यूज रूम पोस्ट की इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपसे क्रिकेट से जुड़ी किसी और बड़ी अपडेट के साथ, किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा, उसके विश्लेषण के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।